पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये दे रही है। सरकार का मकसद है कि किसानों की आमदनी बढ़े। इसके तहत आप सभी किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं, वह भी 3 इंस्टॉलमेंट में। तो आप भी अब चेक कर सकते हैं कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपका खाता आता है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है pmkisan.gov.in। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर लिखा है बेनिफिशरी लिस्ट। इसके तहत आप चेक कर सकते हैं कि आपका खाता जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपका खाता इस पे आता है या नहीं है, या आपको 2,000 रुपये मिलते हैं या नहीं। तो इसके तहत आप यहाँ पर स्टेट पे जाइए। स्टेट पे जाने के बाद में आप यहाँ पर राजस्थान पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद में अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आप चूज कीजिए। चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी सब डिस्ट्रिक्ट लगानी है, जो आपकी तहसील है वो लगानी है। फिर यहाँ पर ब्लॉक, जो आपकी पंचायत समिति है, वह यहाँ पर आपको टाइप करनी है। फिर आपका जो गांव का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना विलेज का जो है गांव का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। अपने गांव का नाम टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं ये पूरे गाँव की यहाँ पर लिस्ट आ गई है कि इसमें से आप चूज कर लीजिएगा जो आपका नाम है। और यहाँ पर देख लीजिए कि आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको जो है यहाँ पर पेमेंट 2,000 रुपये मिलते हैं या नहीं। इसके बाद में आप एक और चेक कर सकते हैं, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 2,000 रुपये मिलते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरी अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट आ गई है। इसके लिए आपको जाना है बेनिफिशियरी स्टेटस पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास में आधार नंबर तो आधार नंबर लगाए, अकाउंट नंबर है तो वो लगा दें, या फिर मोबाइल नंबर लगा दें, जो आपके पास में वो यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एंटर मोबाइल नंबर लगा देने हैं। ध्यान रखें कि आपके मोबाइल नंबर आपके जो बैंक के अकाउंट से लिंक होना चाहिए वही यहाँ पर मोबाइल नंबर लगेगा। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा देता हूँ। मोबाइल नंबर लगाने के बाद में आपको यहाँ पर गेट डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पूरी आपकी डिटेल्स आ जाएगी, कितनी इंस्टॉलमेंट आप तक आपके पास में आ चुकी है उसकी भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, और कौन सी आने वाली उसकी भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था तरीका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जहाँ आपको 2,000 रुपये मिलते हैं, मतलब तीन तीन किस्तों में आपको मिलते हैं, टोटल 6,000 रुपये आपको 1 साल के लिए मिलते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं स्टेटस। और आपने अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं कराया है तो आप इसमें रजिस्टर भी करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।